हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। आज हमारे साथ है सीरत। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आज का लुक होने वाला है? क्योंकि मेकअप तो हमने देखा बड़ा अच्छा हुआ है, कमाल हुआ है। जो लुक है वो आप लोगों के साथ साथ मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है अभी भी शूट पे कि कॉस्ट्यूम क्या होने वाला है। आई थिंक कुछ मेस्ड अप हो गया है, बट ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। तो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि जब मेकअप करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप क्या होती है, कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको खुद अपना ध्यान रखना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पानी पीते रहिए, अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए अपनी स्किन को, हाइड्रेट रखिए। आई थिंक हाइड्रेशन इज़ द की। ओके, तो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ चुकी है एंड यू नो बहुत ज़्यादा धूप लगती है जब आप आउटडोर सीन करते हो, तो उन मतलब मेकअप कैसे मेंटेन करते हो आप? आउटडोर है, गर्मी है, तो टचअप्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ही, लेकिन अपने आप को फ्रेश रखने के लिए पानी पीते रहिए, नारियल पानी पीजिए, सनस्क्रीन बहुत मस्ट है। तो मेकअप से पहले सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, क्योंकि आफ्टर ऑल शूट पे तो आप मेकअप के साथ रहेंगे, लेकिन वैसे तो विदाउट मेकअप भी आपको अच्छा ही दिखना है। तो इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो ओवरऑल आपका लुक होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो होता ही है, लेकिन अब तक आपका फेवरेट लुक कौन सा रहा है सीरत की, अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो? सीरत के सारे लुक बहुत ही सोच समझ के रखे जाते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो हमने रोका सेरेमनी की थी, वो पेस्टल कलर की थीम थी वहाँ पे, वो लुक मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया एंड मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले उसमें, तो आई रियली लाइक दैट लुक। तो शो की अगर बात करें, शो में क्या कुछ ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है? बिकॉज जो प्रोमो आउट हुआ है उसमें ये देखा जा रहा है कि सीरत कहीं गायब हो चुकी है, साहिबा मंडप में बैठी है, तो क्या कुछ उसके अलावा मतलब ऐसा क्या हो गया कि सीरत भागी गई है? हमारे सीरियल का नाम ही है तेरी मेरी डोरियाँ, तो अभी ये राइट मोमेंट है जिसमें सब की डोरियाँ एक दूसरे से उलझी हुई हैं, तो वही सब आपको प्रोमो में भी देखने को मिला है कि सीरत का इंटरेस्ट जो है वो गैरी में है, और वो अभी शी इज़ फॉलन फॉर गैरी, तो उसको चाहिए कि गैरी उसकी बातों को समझे, गैरी से उसकी शादी हो, लेकिन कन्फ्यूज़ है कि मम्मी को कैसे बताए, उसको मौका नहीं मिल रहा है मम्मी से बात करने का। लास्ट मोमेंट तक वो ट्राई करेगी, देखो क्या होता है कि अंगद से ही शादी हो जाती है सीरत की, ये भी हो सकता है, क्योंकि यू कांट ट्रस्ट द प्रोमो, ठीक है? तो वो आप ही लोगों को देख के पता चलेगा क्या होने वाला है, अभी हमें भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी, और कौन से हमें आपके नए लुक्स एंड नए ट्विस्ट शो में देखने मिलेंगे? बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और एक्साइटमेंट बहुत सारा आ रहा है आप लोगों के पास। अभी हम लोगों का शादी सीक्वेंस स्टार्ट होने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा शो तेरी मेरी डोरियाँ, मंडे टू संडे, ओनली ऑन स्टार प्लस 7 PM।